अस्सलाम वालेकुम, मैं वकास और आप देख रहे हैं एएस डिस्कवरीज। तो आज की नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं और ये मैं फोर्थ रिंग रोड से, मक्का के फोर्थ रिंग रोड से जो है थर्ड रिंग रोड की तरफ जा रहा हूं और इसके दरमियान ये टनल्स का व्यू है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। स्पेशली तकरीबन चार टनल्स हैं और चारों का व्यू इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और आप बने रहें साथ। और ये जो टनल्स हैं मीना से गुजरती हुई, ये सीधा थर्ड रिंग रोड पे जाके मिलती हैं और उसके साथ हरम की तरफ चली जाती हैं। तो काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं होता कि हमने कहाँ से किस रोड पे जाना है। ये किंग खालिद टनल है, ठीक है जी। ये जब आप रियाज से अगर आ रहे हैं कुछ लोग, तो वो उनको पहली टनल यही मिलती है, यहाँ से आप इंटर होंगे किंग खालिद टनल से। और नॉर्मल डेज़ में, हज के दिनों में ये सारे रिस्ट्रिक्टेड होता है यहाँ पे आना। ये आप देखें, ये देखिए यहाँ से मीना स्टार्ट हो गया। इस साइड पे ये सारे मीना के खेमे लगे हुए हैं। ये एक टनल हमने क्रॉस किया, अभी सेकंड टनल आ रही है। देखिए इतना ऊंचा, आप उसके ऊपर देखें पहाड़ हैं, पहाड़ों के नीचे से ये टनल्स बनाई गई हैं। माशाल्लाह काफ़ी मेहनत हुई हुई है। आपके सामने आप देख रहे हैं इसका व्यू। कोशिश करता हूँ कि आपके लिए जितनी भी मक्का के अंदर, क्योंकि सारा मक्का का एरिया ये हरम का एरिया है, हरम की हदूद है, सारा ही बाबरकत एरिया है। तो कोशिश करता हूँ कि आपसे जो भी जितना पॉसिबल हो सके आपसे शेयर करूँ। क्रॉस की है उनके लिए ये यादगार लम्हे हैं। ये देखिए ये सारा मीना में हम एंटर हो चुके हैं। ये देखिए ये नीचे रास्ता मीना में, बल्कि जमरात की तरफ जा रहा है। ये मीना के कैंप हैं, खेमे हैं जो, ठीक है जी। ये दोनों तरफ इस रोड के दोनों तरफ जो है वो खेमे हैं। ये देखिए जी, और इसमें सबसे बेस्ट व्यू जो है वो ये है कि सामने आप देख रहे हैं ये लाइट्स के रोड के जो दरमियान में, अभी यहाँ पे एक, ये देखिए यहाँ पे जो इब्लीस शैतान जिसको कंकरियाँ मारी जाती हैं, ये सामने जो बिल्डिंग आपको अभी लाइट्स ऑफ नज़र आ रही हैं, यहाँ पे ये वाली, ये जो है ये शैतान है जी जिसको कंकरियाँ मारी जाती हैं हज के दौरान, जो हज का एक लाजमी रुकन है जिसके बगैर हज कंप्लीट ही नहीं होती। ये वो जगह है जी, ये सारा मीना, इधर भी मीना है, ये सारे कैंप्स हैं मीना के। जो लोग होके गए उनके लिए यादगार है, वो इसको इससे उनको उनकी यादें ताज़ा होंगी, और जो लोग नहीं है अल्लाह पाक उनको इस बाबर की जगह पे लेके आए। ये जी इमरजेंसी मीना का हॉस्पिटल है, यहाँ से कुछ भी अल्लाह ना करे इमरजेंसी हो तो यहाँ से ये कवर किया जाता है जाट साहबान के लिए स्पेशल। ये हम थर्ड टनल में इंटर हो रहे हैं। जब भी आप आएँ तो टाइम हो तो आप इन जगहों को विज़िट लाजमी करें। हज के दिनों में तो बहुत मुश्किल होता है ये, क्योंकि बंद होती हैं और यहाँ से पैदल ही लोग सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन जगह से गुजरना भी एक सवाब ही है। ये देखें जी, अभी हम थर्ड टनल से बाहर निकल आए हैं। ये हम अभी अज़ीज़िया के सामने आ गए हैं। यहाँ से हम ये अज़ीज़िया में एंटर हो जाएंगे। राइट लेफ्ट ये सारा अज़ीज़िया जी होटल्स हैं हाजियों के लिए स्पेशली। पूरे दुनिया से जितने भी लोग आते हैं सब के लिए स्पेशल एरियाज़ जो हैं वो उनको नंबरिंग की गई है, अलाटमेंट की गई है, और उनके जो जाज होते हैं वो वहाँ पे उनको स्टे करवाया जाता है। हज के दिनों में तो यहाँ पे बहुत 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 ही ज़्यादा रौनक होती है। तीन टनल्स के बाद ये अंडर पास आता है जी। ये अंडर पास आप देख रहे हैं, माशाल्लाह ये भी बहुत खूबसूरत है। इसकी आप
साइड लुक्स देखिएगा, ये देखिए जी माशाल्लाह काफी मेहनत की है इन्होंने भी। बाद हम डायरेक्टली थर्ड रिंग रोड पे एंटर हो जाएंगे। ये जी फोर्थ टनल है, यहाँ पे नजर नहीं आएंगी, रिक्शा भी नजर नहीं आएगा और जस्ट आपको यहाँ पे गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पे पैदल ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और आप कर भी नहीं सकते, पॉसिबल भी नहीं है। और जो लोग रेंट ए कार यूज़ करते हैं, टैक्सी वगैरह यूज़ करते हैं, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। तो जब ये जो फोर्थ टनल है ये अभी ख़त्म होने वाली है और इसके बाद जो है हम जब यहाँ से हरम जाने के लिए हमें राइट होना पड़ेगा, एग्जिट लेंगे हरम के लिए और सामने जो है ये रोड वैसे भी क्लोज़ हो जाती है, वहाँ से अगर आपने मुजदलफा की तरफ जाना है अरफात की तरफ तो उधर से जा सकते हैं। और ये हम लोग हरम की तरफ, और ये देखें ये आपको सामने क्लॉक टावर भी नज़र आ रहा है माशाल्लाह। ये अब हम थर्ड रिंग रोड पे मर्ज हो चुके हैं और मैंने सोचा कि मैं ना आपके साथ ये टनल्स का व्यू जो है शेयर करूं। तो सामने ये देखिए मैं आपको क्लॉक टावर जो है ये जूम करके थोड़ा सा अगर आपको क्लियर नज़र आ जाए तो ये देखिए, अल्लाह पाक सबको यहाँ पे आने की जो है और अपनी इस प्यारी जगह की ज़्यादा नसीब करे। आप लोग आएँ ज़रूर और मुझे भी दुआ में याद रखें और अपने अल्लाह पाक आप सबको जो है सलामत रखे। और इंशाल्लाह वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, शेयर करें ताकि और लोग भी ऐसी प्यारी जगहों की ज़्यारत कर सकें और अल्लाह पाक उनका आना यहाँ पर कबूल करें और नसीब करें। तो इंशाल्लाह जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।